अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड, जो पिछला क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व कराया था, एक्स इजकल टू 3 + 2√2। अब देखिए हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर 3 + 2√2 का होल स्क्वायर। 3 + 2√2 का होल स्क्वायर हम इस आइडेंटिटी के अनुसार एक्सपेंड करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारा 3² + 2√2² प्लस 2 × 3 × 2√2। एक्स स्क्वायर 9 + 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 12√2। 9 + 8 + 12√2, 9 8 को ऐड कर देंगे। अब देखिए जो 12.2 है इसे रेशनल नंबर में ऐड नहीं करेंगे, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 17 + 12√2। 1/x इजिकल टू 3 - 2√2। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 1/x का होल स्क्वायर इजिकल टू 3 - 2√2 का होल स्क्वायर। 1/x², अब इसे हम इस आइडेंटिटी के अनुसार खोलेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 3² + 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 3 × 2√2। 1/x², 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर आ जाएगा 8, और 2 × 3 × 2√2 आ जाएगा हमारा 12√2। 1/x² आ जाएगा 17 - 12√2। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी थी x² + 1/x². जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कराया, मैंने आपको x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करी थी, उसे उस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं और ये सेकेंड मेथड है इसके अनुसार भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने अलग फाइंड कर ली, 1/x² की वैल्यू अलग फाइंड कर ली, और फिर x² + 1/x² की वैल्यू निकालने के लिए दोनों की वैल्यू पुट कर दी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई 17 + 12√2 प्लस 1/x² की वैल्यू ये आ गई 17 - 12√2। अब 12√2 प्लस का माइनस का दोनों कट गए, 17 और 17 दोनों ऐड हो गए, ये आ गया हमारा 34। अब हमें एक पार्ट में पूछा गया था कि फाइंड x² - 1/x², एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड कर सकें ऊपर 17 + 12√2, 1/x² की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कर ली हमने 17 - 12√2। एक्स स्क्वायर है हमारा 17 + 12√2 माइनस 1/x² है 17 - 12√2। अब देखिए इस ब्रैकेट के स्टार्ट में माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 17 माइनस का हो जाएगा और 12√2 प्लस का हो जाएगा। 17 से 17 कट गया, 12√2 और 12√2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 24√2। इसका लास्ट पार्ट था, हमें फाइंड करनी थी वैल्यू x³ + 1/x³। अब इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने ये आइडेंटिटी का यूज़ किया, ए प्लस बी का होल क्यूब इजिकल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab × a + b। अब इस आइडेंटिटी के अनुसार x + 1/x का होल क्यूब यदि हम इसे एक्सपेंड करें तो बी कैन गेट x³ + 1/x³ + 3 × x × 1/x × x + 1/x। एक्स एक्स कैंसिल हुआ, x + 1/x की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, वो थी हमारी 6 6 का क्यूब, x³ + 1/x³ + 3 × x + 1/6 की वैल्यू 6 आ गई। इससे हमने सिंप्लीफाई कर लिया,
सिक्स टू दी पावर थ्री की वैल्यू आ जाएगी हमारी 216। एक्स क्यूब प्लस वन अपोन एक्स क्यूब प्लस 18, 18 को इधर माइनस में ले आइए तो एक्स क्यूब प्लस वन अपोन एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 198। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 था, एक्स इजिकल टू रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन रूट थ्री माइनस रूट टू, वाई इजिकल टू रूट थ्री माइनस रूट टू रूट थ्री प्लस रूट टू। इसमें भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सबसे पहले हम इसका रैशनलाइज करेंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आप डिनोमिनेटर का पहले रैशनलाइज करेंगे। तो इसमें हमने डिनोमिनेटर का रैशनलाइज किया, इसका रैशनलाइज फैक्टर बना था रूट थ्री प्लस रूट टू, इससे हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। ये सेम ब्रैकेट है, अब सेम ब्रैकेट का यदि हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर। नीचे ए रूट थ्री माइनस रूट टू प्लस रूट थ्री प्लस रूट टू, इट इज़ फॉर्म ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी, वी कैन राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी इसी आइडेंटिटी के अनुसार हमने इसे रूट थ्री माइनस रूट टू रूट थ्री प्लस रूट टू को सॉल्व किया तो आ जाएगा हमारा रूट थ्री स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर के अनुसार इसे खोल देंगे, रूट थ्री का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट थ्री इंटू रूट टू, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री आ जाएगा माइनस रूट टू का स्क्वायर टू आ जाएगा, थ्री माइनस टू वन आ जाएगा। तो इस तरह से इसे रैशनलाइज करने के बाद एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी फाइव प्लस टू रूट सिक्स। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करने के बाद इसका होल स्क्वायर खोल देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के अनुसार, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू इंटू ए बी, फाइव का स्क्वायर 25, रूट टू रूट टू रूट सिक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारा टू का स्क्वायर फोर, रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स, और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा 20√6। 25 24 को ऐड कर देंगे, इस बात का ध्यान रखें 25 24 और 20 को ऐड नहीं करेंगे, 20√6 इज ए रेशनल नंबर, 25 24 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल इरेशनल आपस में ऐड नहीं हो सकते। 25 और 24 को ऐड कर दिया 49 आया प्लस 20√6। तो इस प्रकार एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई हमारे पास वो 49 प्लस 20√6। अब वाई की वैल्यू हमारी वाई इजिकल टू रूट थ्री माइनस रूट टू रूट थ्री प्लस रूट टू। अब देखिए इसमें भी हम जो डिनोमिनेटर है उसका रैशनलाइज करेंगे जैसे हमने ऊपर किया है। रैशनलाइज करने के बाद वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी फाइव माइनस टू रूट सिक्स। वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, वाई स्क्वायर इज टू फाइव माइनस टू रूट सिक्स का होल स्क्वायर, इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर के अनुसार खोल देंगे, इस माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, फाइव का स्क्वायर प्लस टू रूट सिक्स का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू फाइव इंटू टू रूट सिक्स, वाई स्क्वायर इजिकल टू 24 प्लस 4 इंटू सिक्स, टू का स्क्वायर 4 रूट सिक्स का स्क्वायर 6, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 20√6 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 49 माइनस 20√6। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी थी एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी 49 प्लस 20√6, वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 49 माइनस 20√6। 20√6 से 20√6 कट गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, 49 को ऐड कर दिया तो इसका आंसर आ गया हमारा 98। अब देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें आप डिनोमिनेटर को पहले रैशनलाइज करेंगे। अब देखिए इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आएगी किसी भी एक्सरसाइज के अंदर पहले चैप्टर की। रिप्रेजेंट
ऑन नंबर लाइन ऑफ रूट फाइव, रूट फाइव हो, रूट सेवन हो, रूट इलेवन हो, इसे हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए सबसे पहले ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए सी ऑफ 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए पॉइंट ऑन ए सी एज ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। अब एक्स वाई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी विच इज कट ए सी एट पॉइंट ओ। अब ओ को यदि हम सेंटर ले लें, ड्रॉ ए सेमी सर्किल फ्रॉम ओ ऑफ रेडियस ओ ए, सेमी सर्किल है। इसके बाद ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम बी विच इज इंटरसेक्ट सेमी सर्किल एट पॉइंट डी, तो बी डी इज द लेंथ ऑफ रूट फाइव। अब हम क्योंकि हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए बी को सेंटर लेकर ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम बी ऑफ रेडियस बी डी, ड्रॉ एन आर्क डी फ्रॉम बी ऑफ रेडियस बी डी विच इज कट द नंबर लाइन, विच इज कट ए पॉइंट ई, बी एंड बी डी आर सेम, तो बी डी और बी सेम होने के कारण क्या होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी, इसलिए बी जो आएगी उसकी वैल्यू होगी रूट फाइव। इस तरह से रूट फाइव, रूट सेवन, रूट इलेवन को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स आपकी आई होंगी एक्सरसाइज 1.6 में। क्वेश्चन नंबर वन, इसका फर्स्ट पार्ट है 64 to the power 1/2 इज इक्वल टू, अब 64 को हम लिख सकते हैं 8 to the power 2 whole power 1/2। अब देखिए पावर की पावर है, तो जो रूल मैंने एक्सपोनेंट के आपको बताए थे वो रूल हम अप्लाई करेंगे। 8 to the power 2 upon 1/2, 2 से 2 कट गया, अब ये वैल्यू आ गई 8। इसी तरह से 32 to the power 1/5, 32 को लिख सकते हैं हम 2 to the power 5 whole power 1/5। यहाँ भी एक्सपोनेंट के रूल्स अप्लाई करेंगे, पावर की पावर हो तो उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the power 5 into 1/5, 5 से 5 कट गया, 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर टू में 9 to the power 3/2, 9 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 2 whole power 3/2, सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा हमारा 3 to the power 3, और 3 to the power 3 की वैल्यू होगी 27। इसी तरह से हम 125 to the power -1/3, 125 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं 5 into 5 into 5, और 5 to the power 3 whole power 1/3, एक्सपोनेंट के रूल लगा देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 5 to the power -1/1। यहाँ भी एक्सपोनेंट के रूल्स लगेंगे, यदि पावर माइनस में है तो इसे हम ले जाएंगे 1/5, 5 को 1/5 में ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट
टू दी पावर टू अपॉन थ्री प्लस इन टू टू दी पावर वन अपॉन फाइव। अब देखिए इट इज़ फॉर्म ऑफ ए टू द पावर एम इन टू ए टू द पावर एन इजिकल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। अब ये एक्सपोनेंट का रूल था जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसी रूल्स के अनुसार सेम पावर है इसमें, तो सेम पावर होने के कारण सॉरी इसमें सेम बेस हैं, सेम बेस हैं तो पावर हम इसकी ऐड कर देंगे। टू अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फाइव इजिकल टू टू दी पावर, इसे सिंप्लीफाई करके आ जाएगा टेन प्लस थ्री अपॉन फिफ्टीन टू दी पावर थर्टीन अपॉन फिफ्टीन। इसका थर्ड पार्ट है सेवन टू दी पावर वन अपॉन टू इंटू एट टू दी पावर वन अपॉन टू। अब देखिए इसमें इस एक्सपोनेंट की इस रूल को अप्लाई कर लेंगे, पावर सेम है बेस अलग अलग है, तो बेस डिफरेंट होने के कारण पावर सेम होने के कारण तो जो बेस है उनकी मल्टीप्लाई करके सेम पावर लगा देंगे यहाँ पर। तो इसी एक्सपोनेंट रूल के अनुसार ये आ जाएगा मैं सेवन इंटू एट इंटू टू द पावर वन अपॉन टू इजिकल टू की मल्टीप्लाई कर देंगे फिफ्टी सिक्स टू द पावर वन बाई टू। इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। और अब आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे आप आगे शेयर कर सकते हैं और चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे।